दोस्तों मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक डिवाइस के साथ इतना एक्साइटेड हो जाऊंगा। सीरियसली कह रहा हूं, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। क्यों पता है? क्योंकि ये है मैक स्टूडियो। ओ माय गॉड, द मोस्ट पावरफुल मशीन देयर इज पर्सनल कंप्यूटिंग में। दोस्तों ये जो मशीन है ना, ये टॉप ऑफ द लाइन है। 20 कोर सीपीयू, 64 कोर जीपीयू, 32 कोर एनपीयू है इसके अंदर। Oh my God, 8 terabyte SSD है। सोचिए 128 gigabytes of RAM। Oh my God, that's a dream come true for any creator। Yes, इसीलिए इतना ज्यादा excited हूँ। Let's unbox। Oh, wow, just packaging भी देखिए। I mean, this is some serious stuff। Goodness, बहुत हैवी है। इज द केबल, जी हाँ, और कुछ है नीचे की तरफ? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग। चलिए ये रखते हैं साइड में। दिस इज हैवी, लेट्स ओपन इट। ओ माय गुडनेस, जस्ट लुक एट दैट। वैसे दोस्तों सिर्फ यही नहीं है, वी हैव समथिंग इवन बिगर एंड हेवियर। दिस इज स्टूडियो डिस्प्ले। वैसे स्टूडियो डिस्प्ले खोलने से पहले बताऊं दोस्तों, इसकी कीमत है 790,000, 790,000। ऑलराइट, लेट्स ओपन। जब एक बच्चा कोई टॉय आता है नया, उसे खोलता है ना, जो खुशी होती है दोस्तों वही मुझे हो रही है। वाव, आई मीन एप्पल का जो पैकेजिंग जो होता है ना, इट्स अ थिएटर। लेट मी कीप दिस असाइड। ये हमारा टेबल छोटा पड़ रहा है। द स्टूडियो डिस्प्ले right in front of you. All right, पीछे की तरफ केबल है और इसमें दोस्तों नैनो टेक्सचर कोटिंग आती है, एंटी रिफ्लेक्टिव। लुक एट दिस। वैसे दोस्तों ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं है, दिस कम्स विथ A13 बायोनिक चिपसेट। जी हाँ, इनफैक्ट ये सब जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हम यूज करेंगे और यूज केसेस दिखाने वाले, कितनी फास्ट होती है चीजें इसके ऊपर। लेट्स कीप दिस असाइड, एंड दिस इज स्टिल नॉट इनफ। वैसे दोस्तों इसकी जो प्राइस है, दैट इज अराउंड 1,90,000। एक डिस्प्ले 1,90,000 का। मैजिक ट्रैक पैड है ये, फिनेस, दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। This is the trackpad, USB Type-C to Type, lightning port cable, and yeah, documentation. And magic mouse. और ये जो है ये black color है, generally white color के even magic keyboard जो है वो भी, वैसे ये full size magic keyboard है, and this, oh, look at that, black mouse, and finally the magic keyboard. And the entire setup is ready. Wow. My heart is beating fast. All right, 24 घंटे हो गए हैं दोस्तों, और Mac Studio, maxed out Mac Studio जो है मैंने सागर को दिया। इनफैक्ट एंटायर सेटअप मैंने सागर को दे दिया, जो बेसिकली पहले भी Mac ही इस्तेमाल करता था, Intel based i5 Mac इस्तेमाल करता था, 40 GB RAM। तो exactly मुझे पता चलेगा कि कितना बम्प अप है परफॉर्मेंस में। उसे मैंने कहा कि भाई देख, तीन चार चीजें जो तू रेगुलरली एडिटिंग में करता है, क्योंकि मैं तो इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं, मुझे जरूरत नहीं है इतने पावर की, बट फॉर एडिटर्स दैट इज अ जन्नत, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। चलिए एक्चुअली सागर से बात करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि कितना डिफरेंस पड़ा, कितना ज्यादा परफॉर्मेंस मिला, कितना ज्यादा टाइम उसने सेव किया। लेट्स गो। 24 आवर्स विद मैक स्टूडियो एंड स्टूडियो डिस्प्ले, कैसे लग रहा? What was the experience? The best experience. Huh? Literally the best experience. Were you surprised? Yes, quite a lot. Workflow में तुम्हारे क्या डिफरेंस क्या हुआ? मतलब जो रेगुलर काम करते हो ऑन दिस और इसमें डिफरेंस क्या लगा? ये पुराना वाला iMac है, उस पे लिटरली मेरे को एक वीडियो एडिट करने में
स्टार्ट टू फिनिश 8 घंटे लगते थे, आठ घंटे लगते थे. ओके, सो अभी इस पे सेम वीडियो अगर कट्स करके सब इफेक्ट्स वगैरह डाल के आप देख सकते हो टाइमलाइन में कितना कुछ लगा है, टाइटल्स है, इफेक्ट्स है, सब है. सो इसको हार्डली 4-4.5 घंटे में मेरा सब स्टार्ट टू फिनिश हुआ. मतलब यू आर टेलिंग मी कि 50% टाइम सेव किया तुमने. टाइम सेव किया तो मतलब 8 घंटे की जगह पे अब 4-4.5 घंटे लगते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. कितना हैवी होता है अपने अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं, कितने हैवी होते हैं? बहुत ज्यादा हैवी होते हैं. अगर आप देख रहे हो हमारे वर्क फ्लो में लगभग 2 या 3 स्ट्रीम्स रहते हैं 4K रेजोल्यूशन के. तो 3 स्ट्रीम्स होते हैं 4K के, एंड उसके बाद में तू कलर करेक्शन, इफेक्ट्स, एनिमेशन, टाइटलिंग, टेक्स्ट कटिंग, वो सब. So I can see the timeline here. तो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं अपने इधर. ओके, दैट इज वन. सेकंड थिंग, रीड राइट स्पीड में कुछ डिफरेंस महसूस हुआ? वो सबसे टाइम सेविंग चीज है मैक स्टूडियो पे. क्योंकि जो अपना डेटा रहता है वो लगभग 100-150 GB तक रहता है. 100-150 GB एक प्रोजेक्ट का डेटा. ओके, सो वो पुराने वाले iMac में कॉपी करते टाइम वो लगभग 20-25 मिनट लेता था. ओके, इस पे रीड एंड राइट स्पीड इतना ज्यादा है वो 10-8 मिनट में सब कॉपी हो जाता है. ओह वाओ, मतलब उधर भी मोर देन 50% टाइम सेव करता है. वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है ना, ही इज द ओनली वन हु यूजेस मैक. FCP यूज करता है और मैक इस्तेमाल करता है. एंड हमारे इधर सब जो विंडोज के मशीन है दे आर वेरी पावरफुल. फॉर एग्जांपल ये जो मशीन है हमारे पास वो Ryzen 9 है एंड इट ऑल्सो हैज RTX 3060 12 GB RAM. उसके साथ कंपेयर किया ना? किया. वो नंबर्स बहुत शॉकिंग थे. शॉकिंग? हाँ, हमने सेम टाइमलाइन उस पे रेंडर किया और इसमें रेंडर किया. तो उसके ऊपर कितना टाइम लगा? उसमें 15 मिनट्स लगे. 15 मिनट्स टू रेंडर द एंटायर प्रोजेक्ट? राइट. और इस पे हार्डली 3 मिनट्स लगे. 3 मिनट मतलब 1/5 ऑफ द टाइम. 1/5. तो इसके ऊपर प्रीमियर प्रो था, सेम उधर भी था और सेम प्रोजेक्ट था. सेम था सब कुछ एज इट इज. वाओ. एंड एक बात बताऊं, 750 वॉट इलेक्ट्रिसिटी लेता है ये. दिस वन टेक्स व्हाट, 350-370, मतलब नियरली हाफ एनर्जी लेता है एंड गिव्स 5 times द आउटपुट. मतलब परफॉर्मेंस. ऑलराइट सागर, एक बात बोल, इसका इसका वेट कितना है? हमने किया था कुछ 3-3.5 किलो लगभग. माय गॉड, मतलब यू कैन एक्चुअली कैरी इट. अभी कभी ऐसे भी हो गया कि घर पे जाके लेके जाना है. तो पोर्ट्स वगैरह कैसे हैं इसके ऊपर? पोर्ट्स ये मेरे को हाईलाइट करना था सबसे ज्यादा. अगर फॉर एग्जांपल इस पे जो पोर्ट्स है, अगर मुझे कोई SSD अटैच करना होगा तो लिटरली पीछे जाना पड़ता है, पीछे जाके पोर्ट ढूंढ के फिर कनेक्ट करना पड़ता है. पर इस पे thankfully आगे ही है. एंड इवन यू हैव गॉट दैट SD कार्ड स्लॉट, मतलब SD कार्ड्स भी होंगे तो दिस इज द बिग हाईलाइट ऑफ द मैक स्टूडियो. वाओ, सो यू आर बेसिकली वेरी वेरी हैप्पी. वेरी हैप्पी, लिटरली वेरी हैप्पी. कुछ बेंचमार्क्स रन किए क्या हमने? लगभग 4 बेंचमार्क रन किए और सब जगह पे टॉप ऑफ द लाइन. ठीक है, वो स्क्रीन पे दिखाते हैं हम जो भी बेंचमार्क्स है. बट it is one of the most powerful personal computing machines on earth, that is for sure, right? For sure. ab Irshad ek baat puchni hai tumse. ab abhi tak hum windows ke machines istemal karte aaye hue hain, should we shift to mac? m1 max abhi ye ultra hai, m1 max ka performance kaise hoga? I mean, what do you think, will it be enough for our requirement? I think so, generally enough hona chahiye. and also considering that ye hum ek studio performance studio level pe hum kaam kar rahe hain, and that's the name says it, right? वो Mac Studio है. Studio है. And it just makes a lot of sense कि हमारे setup में even if Premiere Pro में इतना performance difference है, और अगर M1 Max में even if there is a little bit of performance difference and we see that the power efficiency भी इतना अच्छा, तो definitely consider. वो ही मुझे सबसे surprising लगा. RTX 3060 15 minutes and this 3 minutes. Yes. That's a huge jump. Huge difference. Wow. All right. Mac Studio के साथ तेरे पास Studio Display भी है. So what is the difference there? ये एक्चुअली नैनो टेक्सचर के साथ आता है. सो इस पे आपको कौन सा भी ग्लेयर नहीं दिखेगा. ओके, सो दिस ये ओके, ये ग्लेयर है, इसमें एंटी ग्लेयर है. सो दैट इज नैनो टेक्सचर कोटिंग. दैट आल्सो कॉस्ट अ लॉट बाय द लॉट. तो दोस्तों ये है मैक स्टूडियो, जैसे मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन. शायद अगले साल जब हम वीडियो करें तो इधर आपको विंडोज के मशीन नहीं दिखेंगे, सब शायद मैक स्टूडियोज वगैरह दिखेंगे या मैक मिनीज दिखेंगे या फिर मैक iMacs दिखेंगे. सो या वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम्स. एंड एक चीज डेफिनेटली कहनी होगी, एप्पल हैज बॉट सम रियली 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 पावरफुल मशीन. चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ. यस.